अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अदर वीडियो। सो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट एंड इट्स एवरीवेयर ऑन टिकटॉक और इंस्टाग्राम। इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस इस प्रोडक्ट के ऊपर बनती हैं। तो मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देने वाली वो है द ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड 7% टॉनिक सोल्यूशन। इस प्रोडक्ट को लेके ना बहुत से लोगों के बहुत से डाउट्स और बहुत से क्वेरीज होती हैं। मेरे भी थे बहुत से डाउट्स बिफोर आई परचेज्ड इट, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च सारे डाउट्स वगैरह जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं और अब मैं आपको इसके ऊपर बहुत एक अच्छा सा रिव्यू दे सकती हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट क्लेम क्या करता है। ये क्लेम करता है कि आपकी हाइपरपिगमेंटेशन, आपके फ्रेकल्स और आपके डल स्किन, आपके रिंकल्स और जिन लोगों को एज से पहले जो एजिंग के साइन शुरू होना शुरू होते हैं वो डार्क एरियाज ऑफ योर स्किन और योर बॉडी और ओवरऑल स्किन को लाइटन अप करने में आपकी हेल्प करता है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन से स्किन टाइप वाले लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन सी एज वाले लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको आपने कितना ही दफ़ा यूज़ करना है। तो ये सारी बातें हम आज के वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके पैकेजिंग कैसी थी। ठीक है, ये एक प्लास्टिक के बोतल में, दिखने में तो एक ग्लास बोतल लगती है बट ये एक प्लास्टिक के बोतल में आता है और इसके अंदर अबाउट 240 ml, एक बोतल के अंदर 240 ml प्रोडक्ट है विच इज़ मोर देन इनफ। बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है आपके लिए ये, ठीक है। और दूसरा ये एक कैप के साथ आता है जिसको बाद में आप उतार के आपने फेंक देना है और उसके साथ एक नोज़ल होती है जिसको आपने ऊपर लगा देना है। इसके ऊपर से प्रोडक्ट लीक नहीं होता, ये बस प्रोडक्ट को वेस्ट होने से बचाता है कि अगर कहीं गिर वगैरह जाए तो आप इसको लगा के इसको अपने प्रोडक्ट को सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत थोड़ा आपको चाहिए होता है और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत वॉटरी और रनी है। ये देखिए मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ, यहाँ पर बहुत ही रनिंग कंसिस्टेंसी है इस प्रोडक्ट की और ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है आपकी स्किन के अंदर, ठीक है। बहुत लाइट वेट सा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ये तो बात होगी इसकी पैकेजिंग और इसकी कंसिस्टेंसी की। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अबव, जब आपकी टीन एज ख़त्म हो जाएगी अबव 20, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप आफ्टर योर टर्न 20 उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू करें। आपने 20 अपनी 20 एज के बाद इसको क्यों यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और बहुत ही प्योर सॉल्यूशन में अपनी प्रेजेंट है ये प्रोडक्ट। तो जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होगी उनको ये डेफिनेटली उनको इरिटेट करेगा। तो आपने ट्राई करना है कि आप छोटी, जब आपकी स्किन बेबी स्किन हो उस टाइम आप यूज़ ना करें तो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, तो आप इसको कौन सी स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, इसको ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, इसको ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बस अगर कोई यूज़ नहीं कर सकता तो वो है सेंसिटिव स्किन वाले, क्योंकि आपके अगर सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा इरीटेशन होगी, इचीनेस होगी और इवन कि आपके सन, आपकी जो स्किन है वो सन डैमेज भी हो सकती है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों के ऊपर ये बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेगा। तो सेंसिटिव स्किन वाले ज़रा इससे दूर रहें और ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं और ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं बट प्रिकॉशंस के साथ। अच्छा, तो बात कर लेते हैं कि आपने इसको कब कब और कैसे कैसे यूज़ करना है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी इसको डेली बेसिस पे यूज़ करने के लिए। हमेशा आप इसको एक दिन लगाएं, अल्टरनेट डेज पे लगाएं, जैसे एक दिन लगाएं, दो दिन का गैप देते हैं, तीन दिन का गैप देते हैं। अगर आपकी स्किन मैच्योर है, मैच्योर मतलब कि अगर आपने कभी कोई और एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ किया हुआ है जैसे कि रेटिनॉल हो गया या फिर नायसिनमाइड, सैलिसिलिक एसिड, इस तरह के अगर आपने प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं पहले तो आपकी स्किन मैच्योर है, वो इसको भी बेयर कर सकती है अपने स्किन के ऊपर। लेकिन अगर आपने पहले इस तरह का कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया हुआ और आप वेरी न्यू हैं इस अपने स्किन के अंदर जो आप ये एक्टिव इंग्रीडियंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप ट्राई करें कि इसको अल्टरनेट डेज में, बल्कि अपने फर्स्ट वीक ऑफ यूज़ में आप इसको वीक में सिर्फ 2 times यूज़ करें और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन का टॉलरेंस लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन फिर भी आफ्टर 1 to 2 months मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करें, हमेशा इसको अल्टरनेट डेज पे यूज़ करें। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको लगाना कैसे है। अपने रात को अपने फेस वॉश करना है। नॉर्मली जिस भी क्लिनजर या फेस वॉश से अपना फेस वॉश करते हैं उसे फेस वॉश करना है, अपनी स्किन को ड्राई करके, कंप्लीट ड्राई होने चाहिए, पैड ड्राई नहीं होने चाहिए, अपनी स्किन को ड्राई करके बहुत थोड़ी क्वांटिटी लेनी है। जितनी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई थी वो मोर देन इनफ क्वांटिटी है
उसको लेके, या जैसे आपको अच्छा लगता है या तो आप कॉटन पैड से लगा लें, कॉटन पैड से नहीं लगाना तो अपने हाथ में थोड़ा सा लेके अपने स्किन पे टैप करें, टैप करें और जब तक एब्जॉर्ब नहीं होता तो लाइटली टैप करते रहें अपनी स्किन पे। और जिस दिन आपने केवल टोनर यूज़ करना है उस दिन आपने कोई भी और एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे कि रेटिनॉल या सैलिसिलिक एसिड कोई भी और सीरम ट्राई करें कि ना ही यूज़ करें। और सुबह उठ के सनस्क्रीन मस्ट है, सनस्क्रीन तो वैसे भी बहुत ज़रूरी होती है लेकिन जब आप इस तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उसके बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सन रेज से जो सन डैमेज हो सकता है वो ना हो आपकी स्किन को। और आप इसको अपने फेस के अलावा कहीं और भी आपके बॉडी में डार्क एरियाज हैं जैसे कि नीज डार्क हो जाते हैं लोगों के, नकल्स डार्क हो जाते हैं या फिर डार्क अंडर आर्म्स होते हैं, आप इसको वहाँ पे भी 2 to 3 या वीक में एक दफ़ा यूज़ करें तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये तो सारे होंगे डाउट्स और क्यूरियस वगैरह कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब बात करते हैं मेरे रिव्यू की कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा। तो मुझे ऑलमोस्ट इट्स बीन 1 month आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट और टू बी ऑनेस्ट मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, जैसे कि ये आपकी स्किन को ज़रा थोड़ा ग्लोइंग करने में आपकी हेल्प करता है और मेरे अगर एक दो एक्नी आने वाली थी तो वो भी इसकी वजह से उधर ही रुक गई और दोबारा से ख़त्म हो गई, जो एक्नी आ रही थी वो वापस ख़त्म हो गई थी। और जो मेरे लिप्स के अराउंड थोड़ा डार्क एरिया था वो भी थोड़ा बहुत लाइटन अप हुआ है, ये नहीं मैं कहती कि बिल्कुल ख़त्म हो गया बट थोड़ा सा वो लाइट हुआ है। तो अभी मुझे इसको बस 1 month हुआ है यूज़ करते हुए, वो भी मैं अल्टरनेट डेज पर यूज़ कर रही हूँ। तो मे बी अगर मैं 2 to 3 months इसको यूज़ करूँगी तो मुझे ज़्यादा अच्छे और अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं इसके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि मैं ऐसे ही और प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ करके आपके साथ शेयर करूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।